क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। और यहाँ पे तो बहुत सख्त सर्दी आ गई है, रात में इतनी ठंड लगती रही। जी मामा कभी ये कहाँ जाने जाओ। ये है फिलिप्स का एसेंशियल के हेयर स्ट्रेटनर और ये बहुत अच्छा है जी। मैं आपको इसका ब्रांड मॉडल नंबर अभी बता देती हूँ, जस्ट इन केस आप इंटरेस्टेड हों। ये मैं उधर से लेके आई थी, जब रियाद गई थी ना तो पैनोरामा मॉल से लेके गई थी। इसका है एयर स्टाइलर, नहीं 800 वॉट्स लिखा हुआ है, इसकी भी नहीं है, बस ये देख लें आप इस तरह का। ये देखिए कैसे 2 मिनट में स्ट्रेट कर देता है, वो बाल कितने से लग रहे हैं और ये देखिए कितने लंबे हो गए। अब मैं आपको ये देखें, ये बहुत ही मुझे पसंद आया। आपका बेबीज वाला पड़ा हुआ है ना, तो आपको बेबीज वाला लगाऊंगी, ठीक है? टेंशन उतार के सोते हैं जी। फिनिश हो गई है आपके हेयर छोटे से हैं ना, नहीं तो मैं आपको भी करती। आपके हेयर मुन्ने से हैं, कैसे करूँ मैं आपको बताओ, कैसे? अच्छा ऐसे करूँ, बजे हम लोग उठे थे और दरवाजा खोला तो था, लेकिन इतनी सर्दी है ना कि मैं अभी बंद कर रही हूँ। तो इस वक्त 10:45 हो गए हैं मेरी तरफ और हम फाइनली नीचे आ गए हैं और बस अब थोड़े थोड़े काम करने लगी हूँ। तो हम मिशाली को जो है फीडे बना के दे दी है, स्टार्ट में वो आते ही नीचे दूध का एक फीडे पीता है, फिर उसके बाद वो कुछ खाना वगैरह मैं उसे देती हूँ। उतनी देर तक मुझे एक्चुअली टाइम मिल जाता है थोड़े से काम निपटाने का, तो
क्योंकि मिशारी का मैंने आपको बताया हुआ कि उसकी एक आदत है कि वो उठते ही खाना नहीं खा सकता, अगर खाना खाए तो वो गैग कर देता है, तो ये रीज़न है। खैर बाकी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ। क्वेश्चन के आंसर भी दे लेते हैं, काफ़ी पाइल अप हुए, मैं साथ साथ बनाते हैं चाय, मैं कैटल ऑन कर लूँ। अब उसमें एक क्वेश्चन तो ये था कि किचन में ये जो मैंने विनाइल फ्लोरिंग करवाई है तो ये इसके ऊपर इसको वॉश करवाते हैं आप या इसके ऊपर मतलब कैसे इसको क्लीन करते हैं, तो इसको वैक्यूम करके मॉप करती हूँ मैं, और या जिस दिन मेड आए वो भी इस तरह ही करती है, इसको मैं वॉश नहीं करवाती क्योंकि ये कारपेट की तरह इसके नीचे ग्लू लगी होती है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको वॉश करेंगे और पानी सीप करके किनारों से अंदर चला जाएगा तो वो तो फिर स्मेल ही बढ़ेगी ना, तो इसलिए वो काम मैं नहीं करती। हाँ वैसे ही कोई बच्चे से पानी गिर जाए या कुछ हो जाए, कोई ड्रिंक गिर जाए तो ये बिल्कुल सही है, इवन काफ़ी हद तक जो है इसके ऊपर अगर कोई फ्राइड फूड भी गिर जाए तो ये मेल्ट नहीं होती है, तो इसलिए बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक इसने प्राइस पूछी थी, प्राइस मुझे इसकी बिल्कुल नहीं पता, और हर तरह की जो है ना वो डिफरेंट होती है, हर एरिया की डायमेंशन, तो आपको ये खुद ही पता करना पड़ेगा जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ से पता करवा लें। और उसके अलावा ग्रास के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें स्मेल नहीं पड़ेगी जब रेन होगी, तो नहीं इसमें नहीं पड़ेगी, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हायल में हमने देखा है, मैंने दमाम में भी कई जगहों पे ये देखी है ग्रास आर्टिफिशियल, लेकिन मैंने कभी इतना ज़्यादा इसको अटेंशन नहीं दी थी, जब हमारे पास ये एरिया फ्री का आया है खुला एरिया तो तब मैंने डिसाइड किया कि हम भी लगवाएंगे, और यहाँ पर तेहामी के स्कूल में जो है वो यही वाली ग्रास लगी हुई है, और तेहामी कहते हैं कि जब रेन होती है तो 2 डेज़ के बाद वो ड्राई होता है, तो बस इसी तरह ये यहाँ पे भी क्या हुआ था कि बारिश हुई है बहुत दिन रात और शाम तक नहीं ड्राई हुआ, नॉर्मली अगर हमारे फ्लोर्स होते हैं तो वो शाम तक ड्राई हो जाते हैं बेशक सर्दी भी हो, तो इसमें शाम तक नहीं ड्राई हुआ, अगले दिन जब मॉर्निंग हुई है तो उसमें वो ड्राई हुआ था, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं। इसके नीचे उन्होंने एक निटिंग टाइप से की हुई है नायलॉन के साथ, और बहुत माइक्रो किस्म की वो निटिंग है, लेकिन उससे मुझे लगता है कि ये हेल्प होती है कि नीचे से हवा फिर भी क्रॉस होती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, और रेन हमने इसमें देख लिया और बिल्कुल ज़बरदस्त है। और बाकी इसको मैं क्लीन कैसे कराती हूँ, इसको मैं नॉर्मली कभी वैक्यूम करवा लेती हूँ, कभी ब्रश से क्लीन करवा लेती हूँ, और बारिश होगी तो खुद ही धुल जाएगा तो ज़बरदस्त हो जाएगा, तो बस ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मिशारी का आप पूछते हैं उसकी क्या है, उसकी मतलब ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उसकी रूटीन क्या है, और रूटीन तो शेयर नहीं की जा सकती, उसकी रीज़न ये है कि रूटीन बच्चे की कोई होती नहीं है, अगर कोई बच्चों की है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बच्चे की नहीं है, उसको जब भूख लगती है मैं उसे खाने को देती हूँ, हाँ मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसको मैं खाने के साथ अपने आप लोगों के खाने के साथ उसको खाना दूँ, और उसके अलावा उसको स्नैकिंग वगैरह करवाती हूँ और फीडर वगैरह बना दिया, तो स्नैकिंग में जो है वो चीज़ खा लेता है, और वो खा लेता है ऑलिव्स खा लेता है, कोई भी फ्रूट दें वो खा लेता है, कोई भी वेजिटेबल जैसे क्यूकम्बर कैरेट वगैरह तो वो उसको खा लेता है, इस तरह की चीज़ें भी बॉयल्ड एग्स हो जाते हैं उसकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बॉयल्ड एग्स पे वो लग जाए क्योंकि बॉयल्ड एग्स उसे पसंद नहीं आते हैं, तो बाकी जो है और कभी सूप बना दिया, कभी योगर्ट दे दिया उसको, कभी पीनट्स वगैरह वो खाते हैं, सॉल्टेड पीनट्स जो यहाँ मिलते हैं वो बड़े शौक से खाता है, नट्स वगैरह मैं उसे दे देती हूँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो खाता है, और अगर मेरे माइंड से कोई स्लिप हो गया इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा, बिस्किट्स वगैरह का उसे इतना शौक नहीं है, बिस्किट्स नहीं वो खाता, और बस यही चीज़ें, और खाने में हम उसे अपने साथ ही जो भी खाना खाएंगे वो उसे देते हैं, फॉर एग्जांपल कल परसों जो है वो मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ था तो उसमें से उसको मैंने जो है वो बोटी वॉश करके दे दिया, और साथ में मैंने उसको
आलू जो है वो भी वॉश करके दे दिए। नॉर्मली मैं वॉश करके नहीं देती हूँ क्योंकि हामी को मैं वॉश करके देती थी तो उसे बहुत बुरी आदत पड़ गई थी कि वो स्पाइसी फूड ही नहीं खाता था। इसको मैं वॉश करके सिर्फ तब देती हूँ जब मैंने ओवरली स्पाइसी फूड बनाया होता है कि मुझे लगता है उससे इसका बेचारे का पेट खराब हो जाएगा, सिर्फ तब। जी क्या ओ ओ। और हम जा रहे हैं तमीमी क्योंकि हमारे घर में स्टार्ट हो रहा है टिक्का सीजन है? हाँ जी। ओ, और जी विशु ने भी बोलना होता है और बस उसके बाद फिर जनाब टिक्के जो है दबा दब शुरू हो जाएंगे। शदाद तो बल्कि कह रहे थे कि अभी दोपहर में क्यों नहीं मैरिनेट करके रखा हुआ, तो टाइम थोड़ी होता है। हाँ टाइम थोड़ी होता है। मेरे सहन में यह है कि दोपहर में आते हैं तो उसमें खाना वगैरह खा के हम लोग बैठ के चाय वगैरह पी लेते हैं, बिग बॉस देख लेते हैं। बाय द वे शुक्ला हमारा फेवरेट, आप लोग अक्सर पूछते हैं, तो सिद्धार्थ शुक्ला जो है ना वो हम दोनों का फेवरेट है। आपका फेवरेट कौन? मेरा जो है, मेरा भी सिद्धार्थ शुक्ला। मिशी आपका कौन सा फेवरेट है? देखिए शुक्ला, मिशी भी शुक्ला ही बोलता है। मिशी कौन फेवरेट है आपका? सबसे छोटा फैन जो है ना शुक्ला का, है ना मिशु? हाँ जी, मिशी है। मिशी का फेवरेट कौन है? शुक्ला। तो हम चारों का जाना शुक्ला फेवरेट। और कार्स भी मिशी की फेवरेट है ना मिशु? मिशी आज टॉय का, आज कौन सा टॉय लाया है? आज मिशु को सुपरमैन लेके आया है, स्पाइडरमैन लेके आया है, ऑफ रोडिंग हो रही है एक्सपेडिशन के साथ। और मिशी आज जो है ना स्पाइडरमैन लेके आया है। कौन सा टॉय है बाबा को दिखाओ? और फिर सारा टाइम हाथ में पकड़ के बैठा रहता है, जहाँ भी जाए हाथ में पकड़ के छोड़। मैंने इसे वो दिया ना, वो बेबी नहीं है वो छोटा वाला, मैंने वो दिया, बोलता है नहीं। तो मैंने कहा अच्छा आज ये देता है। जी बेटा जिया जिया ओके। हाँ जी, मिशी का फेवरेट कौन है? बिग बॉस में फेवरेट कौन है? बोलो शुक्ला। नहीं बोलो शुक्ला। विशु का फेवरेट शुक्ला है, बोलो यस। तो हामी का फेवरेट है मैं बताती हूँ आरती। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात है? आरती आपकी फेवरेट क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं नहीं, मुझे शुक्ला पसंद है। इसको 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 मैं शाहरुख पसंद है। I wrote you a love song and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet sweetheart and how nobody can steal me away. I am yours 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song and they sing it kind of beautiful. Calling each other sweetheart, I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now and I wanted you to know.